हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मारुति सुजुकी कंपनी ने एक और कार को किया है भारतीय बाजार में लॉन्च। जानते हैं कौन कौन से फीचर के साथ ये गाड़ी आएगी और कितने कीमत होगी इस कार की। चलिए जानते हैं इस कार के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप भी इस कार को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बुकिंग नाउ करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, हम जिस कार की बात कर रहे हैं उस कार का नाम है न्यू हसलर कार। भारतीय बाजार में इस कार को लॉन्च कर दिया है मारुति सुजुकी ने। दोस्तों, सबसे पहले मारुति सुजुकी ने ऑल्टो 800 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। उससे पहले यह गाड़ी भारतीय बाजार में किसी और नाम से बेची जाती थी। दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। मारुति सुजुकी कंपनी का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हर माह नंबर 1 से लेकर नंबर 7 पोजीशन पर मारुति सुजुकी कंपनी की कार्स रहती हैं। दोस्तों, हसलर को जब से मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया है तो बाकी कारों की सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं हसलर में मिलने वाले कुछ ऐसे फीचर जो अन्य कारों की तुलना में ज़्यादा अच्छे बताए जाते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में मारुति सुजुकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है और सेफ्टी में भी मारुति सुजुकी कंपनी किसी से कम नहीं है। हसलर के अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर दिए गए हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट श्रेणी में आते हैं। इस कार में आपको दो इंजन देखने को मिलेंगे। एक 1 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलेगा जो कि 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है और 1.2 लीटर का एक इंजन देखने को मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर इंजन रहेगा। इस गाड़ी में पेट्रोल और CNG के ऑप्शन भी दिए गए। मारुति सुजुकी कंपनी ने भारतीय कस्टमरों की मांग को देखकर अपनी नई हसलर कार को लॉन्च किया है। यह एक मिनी SUV है। यह टाटा पंच और होंडा एक्सटर के मुकाबले में भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी द्वारा लॉन्च की गई एक बेहतरीन कार साबित होने वाली है। दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी को पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे उनकी सेफ्टी को लेकर, पर फ्रॉन्क्स की 5-स्टार सेफ्टी को देखकर मारुति सुजुकी कंपनी ने फ्रॉन्क्स वाले ही प्लेटफॉर्म पर हसलर को बनाया है और काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी के साथ इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लॉन्च भी किया है। दोस्तों, इस कार में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा जो कि 8 इंच का है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम हसलर के अंदर दिया गया है और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा भी दी जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की फीचर भी इस कार में दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग आपको दी जाएगी। कूल ग्लोव बॉक्स दिया गया है और छोटी सी एक सनरूफ भी ऑफर की गई है। सेफ्टी फीचर की अगर बात करूँ, इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग की सुविधा दी जाएगी। ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल इत्यादि फीचर आपको इस कार के अंदर मुहैया कराए जाएंगे। दोस्तों, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ साथ 3 सेंसर भी दिए जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है कार पार्किंग के लिए, और फ्रंट पे कैमरा दिया जाएगा जो भी विजिबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। दोस्तों, इस कार में लगा हुआ पावरफुल इंजन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और जो कि माइलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। हाईवे और सिटी ड्राइव पर यह कार आपको 38 KMPL तक का माइलेज देने में सक्षम है जो कि आम इंसान के बजट को भी कंट्रोल में रखती है। इस कार की कीमत की अगर हम बात करें तो यह गाड़ी आप 5 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर 8 लाख रुपए एक्स शोरूम तक इस कार की कीमत चली जाती है। अगर आप इस कार को EMI पर ले रहे हैं तो 6,000 रुपये पर मंथ की EMI पे आप इस कार को अपने घर ला सकते। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। अगर आप सरकारी बैंक द्वारा लोन लेना चाहते हैं और वहाँ पर आपकी लोन एप्लीकेशन को बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को देखना ना भूलें। वहाँ पर आपको SBI द्वारा लोन कैसे लिया जाता है इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लोन के लिए आवश्यक होते हैं सारी जानकारी विस्तार से बताई गई है, जिससे आप आसानी से अपने कार के लिए लोन।